Uh, the second uh, research design of mixed method research methodology is sequential explorative uh, research design. This research design is basically appealed to the researcher with strong qualitative leanings. Yani, jo qualitative researchers hai, wo is design ko zyada karte uh, This design is characterized by the collection and analysis of qualitative data in a first phase of research. जो एक्सप्लेटरी डिजाइन था उसमें कलेक्ट किया था हमने uh, अब uh, ये जो एक्सप्लोरेटिव डिजाइन है इसमें हम क्वालिटेटिव डेटा पहले कलेक्ट करेंगे और उसकी बेस पे फिर हम क्वान्टिटेटिव डेटा के लिए जाएंगे वेट इज टिपिकली गिवन टू द क्वालिटेटिव डेटा यानी कि इस टाइप ऑफ स्टडी में आप क्वालिटेटिव डेटा को ज्यादा इम्पोर्टेंस है, देते हैं उसका शेयर ज्यादा है द डेटा आर मिक्स थ्रू बीग कनेक्टेड बिटवीन द क्वालिटेटिव डेटा अनाल एंड द क्वान्टिटिव डेटा कलेक्शन टू फॉर्म्स ऑफ डेटा आर सेपरेट बट कनेक्टेड यानी अगर कोई न्यू फिना इमर्ज आउट हुआ है सोसाइटी में या कोई न्यू सोशल प्रॉब्लम आ गई है तो उसको समझने के लिए तो पहले हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं और उसकी बेस पे फिर हम उसका को क्वांटिटेटिव मैकेनिज्म बनाते हैं जैसे कि हमें एक आ, नया स्केल चाहिए तो उसके लिए पहले हम क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे और उसकी डायमेंशनस को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए जाएंगे तो ये जो डिज़ाइन है इस सिचुएशन में बड़ा यूजफुल है जब आपने स्केल डेवलपमेंट करनी हो और आ, उस स्केल डेवलपमेंट के बाद उसकी आ, जो है क्राइटेरियन वैलिडिटी चेक करनी हो दिस डिज़ाइन मे और मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विद एन एक्सप्लिसिट थियोरिटिकल परस्पेक्टिव इसमें थेरेटिकल परस्पेक्टिव यूज़ होता भी है एक्सप्लिसिटली और समटाइम हम इसको अवॉइड भी करते हैं uh, अगर हम इसके एडवाटेज की बात करें तो द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस मॉडल इज टू इनिशियली एक्सप्लोर अ फिनमिना जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये डिज़ाइन ज़्यादा यूजफुल है जब आप किसी ने कोई फिनोमिना एक्सप्लोर करना लेट्स गिव मी एग्जांपल ऑफ द स्मोग इन पाकिस्तान स्मोक का जो फिनोमिना है ये कोई पाँच छः साल पहले पाकिस्तान में मर्ज आउट हुआ है उससे पहले स्मोक की प्रॉब्लम एज सच इतने लार्ज स्केल लेवल पे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी तो जैसे ही ये स्मोक का जो है प्रॉब्लम मर्ज हुआ तो इसके ऊपर फिर कॉल फॉर एक्शन आ गया जो है गवर्नमेंट की तरफ से और जो आई की तरफ से रिसर्च की बात होने लग पड़ी तो इस फिनिने को समझने के लिए पहले क्या था क्वालिटेटिव स्टडीज की जरूरत थी कि भाई ये क्यों फिनोमिना ये मर्ज आउट हो रहा है आ, क्या इसके मेन डायमेंशनज हैं इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी है और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट में भी आ, इसके वेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट कैसे फिर हमने उस बेसिस पे हम जो है स्टडी कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इसी तरह रिसेंटली जब कोरोना का टाइम पीरियड आया करोना uh, जो है एज ए पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो गए बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गए तो उस टाइम पे भी आ, लोगों ने स्टडी किया फियर ऑफ कोविड नाइनटीन को तो उसके लिए पहले क्वालिटेटिव स्टडी की गई कि क्या लोग इसका शिकार भी हैं किसी खौफ का तो उसकी बेसिस पे स्केल डेवलप हुआ और आज फियर ऑफ कोविड नाइन एक ग्लोबल लेवल का स्केल है जिसको मेंटल हेल्थ प्रोडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरलाइज क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स टू डिफरेंट सैम्पल्स तो इस uh, uh, के बेसिस uh, पे uh, इस डिज़ाइन के बेसिस पे जो फाइंडिंग्स आती हैं वो रेप्लीकेट हो सकती हैं दूसरे सैम्पल्स में भी यानी क्वालिटेटिव स्टडी जब हम वैसे करते हैं विदाउट एम तो हम तो ये कहते हैं ये कॉन्टेक्सट स्पेसिफिक है जर्नलाइजेबल नहीं है और ये लिमिटेड टू दिस पॉपुलेशन है मगर जब आप एम में कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं विद मेन फोकस तो उसको हम जनरलाइजेल जनरलाइज uh, कर सकते हैं रिसर्चर नीड्स टू डेवलप एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इन एडुकेट और नॉट अवेलेबल तो इसमें जैसे मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि कोई मर्ज uh, होता है तो क्वालिटेटिव स्टडी की बेस पे हम इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर लेते हैं और उसके लिए फिर क्वान्टिटेटिव स्टडी करते हैं अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें रिक्वायर्स अ अब लेंथ ऑफ टाइम जैसे कि ओवरऑल एम एम आर डिजाइन की यह uh, प्रॉब्लम है कि एक्सटेंसिव टाइम चाहिए और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी होती है एंड द रिसर्चर हैज़ टू मेक सम की अबाउट फाइंडिंग फ्रॉम द इनिशियल क्वालिटेटिव फेज विल बी फोकस्ड ऑन इन द सबसिक्वेंट क्वानिटेटिव फेज कि कौन सा थीम जो है आ, जो है वो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग क्वांटिटेटिव स्टडी का हिस्सा बना बनेगा आ, किस ग्रुप पे होगी और जो है उसमें रिसर्च क्वेश्चंस कैसे होंगे ये कुछ की चैलेंजेस हैं जो कि इस डिज़ाइन में आपको फेस करने पड़ सकते